बात गुजरात की करेंगे, जहां पर पिछले कई दिन से कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। गुजरात के कई शहरों में बेहिसाब बारिश है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश में डूबा गुजरात, सोसाइटी में बह रहे हैं बरसाती नाले। कमर तक भरा पानी, डूब गई गाड़ियां। गुजरात की सड़कों पर तेज रफ्तार सैलाब। भारी बारिश से रफ्तार पर लगा ब्रेक। पहाड़ों से बहने लगे झरने। दो दिन की राहत के बाद एक बार फिर गुजरात में मूसलाधार आफत की बरसात हो रही है। उत्तरी गुजरात में सोमवार सुबह से झमाझम बारिश शुरू हुई तो शहर के शहर पानी पानी हो गए। ये तस्वीरें मेहसाणा की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद इतना पानी भरा कि लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। मूसलाधार बारिश ने खेड़ा जिले में ऐसा कहर ढाया कि सड़कों पर बरसाती नाले बहने लगे। मेन रोड से लेकर सोसाइटी तक में सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। गाड़ियां पानी में डूब गई। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। बारिश से पानी का जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि कार और कार सवार को बचाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद लेनी पड़ी। अब जरा खेड़ा जिले की सड़क को देखिए। पिछले दो साल से लोग नडियाद को अहमदाबाद तक जोड़ने वाली सड़क का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सड़क बने अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे कि पानी सालों की उम्मीदों को बहा ले गया। उत्तरी गुजरात के साबरकांठा, अरावली, मेहसाणा, बनासकांठा में 2 से 5 इंच बारिश दर्ज की गई। नडियाद में भारी जलभराव देखने को मिला। बोरसद में 14 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आसमानी आफत का ये दौर अभी कुछ दिन और जारी रहने वाला है। गुजरात रीजन पे एक साइक्लोनिक नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और सौराष्ट्र कच्छ के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और इसके साथ ही 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे एक सियर जोन पैटर्न बना है, और साउथ गुजरात में ऑफशोर ट्रफ परसिस्ट कर रहा है, जिसके लिए आज के लिए गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जिसमें वेरी हैवी टू हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। गुजरात में मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश की भविष्यवाणी की है। आज पोरबंदर, द्वारका, मोरबी, जामनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद में भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब तक गुजरात में सामान्य के मुकाबले 418 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 18% ज्यादा है। ये तस्वीरें महिसागर की हैं। क्या गलियां और क्या सड़कें, हर जगह पानी ही पानी। महिसागर में महज 4 घंटे में 6 इंच बारिश हुई। घरों दुकानों में पानी भर गया। हाईवे और स्टेट हाईवे जलमग्न हो गए। कुछ जगहों पर पेड़ और दीवारें भी गिरी। गुजरात से ब्रजेश भाई दोषी और वीरेन कुमार जोशी के साथ हेतली शाह, ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।